हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं मोहित चाविस। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, अनदर मार्वल का एक ट्रेलर आया है। लास्ट हमने एटर्नल्स को रिएक्ट किया था, एक ही हफ्ता हुआ था ही आई थिंक। हाँ, उस अभी आ गया है स्पाइडरमैन नो वे होम। होम कमिंग थी ना लास्ट में, या लास्ट पार्ट होम कमिंग है, होम कमिंग एंड गेम के बाद। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। फार फ्रॉम होम पक्का? यस, फार फ्रॉम होम, ओके। तो एंड गेम के बाद हुई हमने थी, रिव्यू किया था। हाँ वही थी। ओके, सो दिस स्पाइडरमैन नो वे होम, और हमें थंबनेल में डॉक्टर स्ट्रेंज दिख रहे हैं और ऑल्सो स्पाइडरमैन दिख रहे हैं। आई थिंक वो यू नो द सेम थिंग जो हल्क को किया था, वो थिंग यहाँ पर हो रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन द टीजर ट्रेलर, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। टीजर ट्रेलर और 3 मिनट का है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड एज यू गाइज नो कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, और आई थिंक आज से वहाँ पर अपलोड शुरू हो जाएंगे। सो एनी वीडियो जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम या फिर ब्लॉक हो जाएगा, वो वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा और डिस्कशन यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Can we just, like, stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Okay, this is the way that the film now stopped there. Knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. Oh, shit. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter, what do I owe the Whoa! I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Okay. Don't cast that spell. It's too dangerous. Oh. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Okay, some people still know. That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. What just happened? Tampered with the stability of space-time. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Oh! The problem is you trying to live two different lives. Oh! The longer you do it, the more dangerous it becomes. Green Goblin! Be careful what you wish for, Parker. Hello, yeah, he is. Shit. Amazing, yeah. This was more interesting than Eternals itself, yeah. Eternals का मुझे उतना ये नहीं किया, लगा नया introduction movie है चलता है बोल के, बट दिस हैज टेकन टू सम अदर लेवल। आई थिंक दिस वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन एग्जैक्टली अब तक की बेस्ट हो कॉन्सेप्ट लग रहा है ये। या डॉक्टर स्ट्रेंज हैं इसमें, और यू नो इसके अलावा क्या है कि जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था ना मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने। एक बार किया था डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में, एक बार हुआ था मल्टीवर्स का जो ये है मतलब जो टाइम को ट्विस्ट करते हैं उसका एक बार हुआ था, लेकिन जहाँ पे मूवी छोड़ी हुई थी फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन में, जहाँ exactly पे वहीं से शुरू हो रही है, वहाँ से वो एग्जैक्ट ये होता ना कि ही रिवील्स के ही स्पाइडरमैन,
तो उसके बाद खत्म हो जाती है पिक्चर. अब क्या होता है पता नहीं, उसके बाद क्या आई होगा थिंक वो नहीं. लेके उन्हें चले जाते हैं और आई थिंक उसके बाद यू नो हेलीकॉप्टर्स पुलिस वगैरह आके उनको यू नो घेर लेती है. पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाता है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है. तो वो बोलता है कि अच्छा तुमने इसको तुमने ही मारा बोल के, वो क्या था वो बंदा वो मिस्टीरियो को तुमने ही मारा बोल के, नाउ दे आर सबको उन्होंने ये कर लिया है मतलब समन किया है और सारे ट्रेल पे हैं, सबको इन्वेस्टिगेशन चल रही है. उनकी आंटी और उनकी गर्लफ्रेंड सभी वहाँ पे उसको घेरा गया है. अभी एवरीवन इज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ हिम. अब क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ एवरीवन इन ट्रबल ही गोज टू डॉक्टर स्ट्रेंज, उनको बोलते हैं कि एक स्पेल कॉस्ट करो जिससे मैं भूल जाऊँ कि सारे भूल जाएं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ. तो ये बाद में बोलते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, सो सबको भूलना पड़ेगा. अब क्या करते हैं कि वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो नाउ दे हैव नो सब कुछ टैम्पर्ड हो गया एंड आई थिंक दे आर मेनी पीपल कमिंग. आई थिंक क्या हो गया नहीं, ये जो टाइम ट्विस्ट हो ना, आई थिंक स्पाइडरमैन की लाइफ में जितने भी दुश्मन वगैरह थे आई थिंक सब एक साथ आने वाले, सब एक साथ आने वाले हैं. बिकॉज वी सॉ ग्रीन गॉब्लिन का स्टफ जो हंसी सुनी आपने, हंसी सुनी हाँ. बिकॉज ग्रीन गॉब्लिन आई थिंक ये इस स्पाइडरमैन सीरीज में अभी तक नहीं आया है, वाज देयर इन दैट ओल्ड स्पाइडरमैन जो सोनी का था, इसमें अभी तक नहीं आया है. सो हियर इज कमिंग एंड अनदर द डॉक्टर ऑक्टेव, व्हाट इज नेम, द लास्ट कैट, द लास्ट कैट वो भी उस सीरीज में थे, उस सीरीज में थे वो भी इसमें अभी तक नहीं आया, वो भी सारे विलन्स को ले आ रही है. एंड ऑल्सो डिड यू सी वन थिंग, सैंड रोटेट हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि सैंडमैन भी आने वाले हैं. वही सारे वही तो सब थ्री फोर विलन जो कि पुराने सीरीज स्पाइडरमैन सीरीज में थे आई थिंक वो पूरे यहाँ पर आ जाएंगे. एंड मे बी मुझे लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज विल ऑल्सो स्टार्ट यू नो मतलब वो भी उनके उनके खिलाफ खड़े हो जाएं कुछ रीजन के लिए. बिकॉज देयर इज अ सीन जहां पर दोनों एक ऑपोजिट दिख रहे हैं. नहीं आई थिंक एक साथ यू नो दे आर टुगेदर, आई थिंक दोनों एक साथ फाइट करते हैं कुछ एक वक्त पे. आई थिंक ऐसा होता है कि मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज इज नॉट हैप्पी विद समथिंग एंड वो एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाए, समथिंग लाइक दैट विल हैपन. या फिर वो उनको शायद वो जो पुश करते हैं जो उनकी रूह निकलती है जो थंबनेल में दिया गया है. हाँ. जो सोल निकलती है तो मे बी दैट इज व्हेन ही फ्रीजेस हिम, फ्रीज करके उनको बातचीत करके देन ही ब्रिंग्स हिम बैक टू लाइफ. ऐसा हो सकता है. अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, आई एम वेटिंग ओनली इन थिएटर्स. दिसंबर कैसे वक्त बीतेगा भाई. इसीलिए है ना इट्स वेरी गुड कि मैंने ना सारे मार्वल की मूवीज एक साथ देखे थे मैंने एक महीने में. That's very good. Before you know watching Endgame. हाँ वो बहुत अच्छी बात है जो हुआ था उसमें. नहीं एक्चुअली मैंने एक दो फिल्में बीच में देखी थी. दैट वॉज एवेंजर्स देखी थी, इन्फिनिटी वॉर भी देखी थी मैंने और कैप्टन अमेरिका देखी थी. लेकिन पूरे फिल्में मैंने नहीं देखी थी. और जैसे ही हम दोनों एक साथ ने यू नो वी हैव कम्प्लीट द होल फिल्म. और उसमें क्या हुआ था कि हमें 15 साल का था, 2008 नहीं है, 12 साल की जर्नी को हमने एक महीने में देख लिया, एक महीने में देख लिया था हमने. और यहाँ अब आई नो दिस ये वेट आई थिंक नहीं हो पाएगा. बिकॉज एंड गेम को ही हम लोग वेट नहीं कर पाए थे उतने दिन. हमको मुझे एंड गेम के में वेटिंग का हमारा सिर्फ एक वीक का टाइम था मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं. इट वॉज जस्ट वन वीक टाइम विच आई वेटेड फॉर एंड गेम क्योंकि इससे पहले देख ली थी वो. Yeah, very good. Yeah, I'm just awaiting the release and that's great thing. It's what I think ये नहीं यहाँ पर अभी. Eternals और Avengers अलग अलग ही होंगे यहाँ पर. हाँ Eternals नहीं आएंगे यहाँ पे. Eternals नहीं आएंगे यहाँ पे. It is different. नहीं? It is different. Eternals नहीं आएंगे. और Avengers की भी कोई part आने वाली है. You know, जो fan theories वगैरह होते हैं ना and उसमें मैंने एक देखा था जो कि इसके director हैं Avengers की. उन्होंने ही कहा था कि these are the films coming. Thor, Ragnarok, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन नो वे होम, एवेंजर्स की भी एक पार्ट आ रही है. तो आई थिंक गार्डियन ऑफ गैलेक्सी सब आ रहे हैं. तो आई थिंक ये अलग ही चलेगा, ये अलग ही चलेगा. और मे बी सम टाइम फ्यूचर में कुछ हो सके जुड़े ये लोग तो जुड़ेंगे, नहीं तो आई थिंक दिस विल यू नो गो सेपरेटली. यस सो दिस वॉज अवर रिएक्शन ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम. अमेजिंग यार, किसने डिसलाइक किया यार? Amazing. कौन हो यार आप लोग? Lot better than Eternals के ट्रेलर में उतना goosebumps नहीं आया था Eternals के ट्रेलर में. हाँ यहाँ पे goosebumps, यहाँ पे चीखना चिल्लाना आ गया, यहाँ पे अंदर से आ गया वो. यहाँ excitement level. I think that is because कि हम लोगों ने जो जर्नी देखी है नहीं, we feel that हमने इन लोगों से हम connect हो चुके हैं. Connect हो चुके हैं. That's the reason. Eternals अभी तक वो introduction है, वो introduction है. तो Eternals have not या Eternals का एक amazing part है कि उसके characters. इसीलिए हाँ वो amazing है. वो double the powerful एक है ना अपडेटेड वर्जन है सारे टैलेंट के, पावर्स के, उनके वगैरह. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दिस इट फॉर नाउ. सो दिस वाज़ द रिएक्शन ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट हम किस पर रिएक्ट करें. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसके लिए डिटेल्स हमने दी हैं. दिस इज मोहम्मद शाबीस, मोहम्मद इनायत साइनिंग ऑफ.